भाविन करके मेरा दोस्त है या फिर हे भाविन बहुत समय मजामा So what do you like about Ahmedabad? Food. You can tell me. Other than food. I feel ki Gujarati people, the people, and not only that. Warm, loving, caring. I feel it's an extension of Mumbai for some reason. Itna dur bhi nahi hai. We don't feel out of place here. Jo roads hai, hum log jaate hai, aar paar na, mujhe to kabhi kabhi lagta hai ki yaar, main idhar se left ya right le lunga, mera ghar aa jayega. She said ki yaar, wo stories hai, family values itne strong hote hai Gujarat mein, hamare Gujarati community mein. You know, it's very strong. So there was that demand, aur wo pull, wo pyar hame yahan pe. मौजी को मजा आ रही है मौजी को बहुत मजा आ रहा है यहाँ अहमदाबाद आप क्या कर रहे हो कितनी मजा आ रही है अहमदाबाद में हम लोग इसलिए आए हैं मैम क्योंकि सिर्फ दो दिन रह गए हमारे फिल्म के लिए जिसका नाम है आप बताइए पीछे से सुई धागा मैड इन इंडिया पूरा नाम बताइए मैडम सुई धागा और फिर उसके बाद पागल लोग इंडिया में इसलिए तो हम लोग ने इतना बड़ा रैली रखा था साइकिलों के साथ और कोई नहीं जीता कोई नहीं हम लोग वही कहना चाहते हैं और हम लोग ने सारे अहमदाबाद के जो कपल्स हैं उनके साथ किया था इनफैक्ट साइकिल भी उन्होंने दिया हमें और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पीपल हुआ मैरिड तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ तो बेसिकली अहमदाबाद के जो मौजी ममता है अहमदाबाद फिल्म की मौजी ममता ने साइकिलिंग किया अच्छा टेल मी सुई धागा के लिए डिड यू लर्न स्टिचिंग टेलरिंग सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सारी चीज़ें हमारे डायरेक्टर जो है शरद कटारिया जो बहुत ही अलूफ और मैवरिक किस्म के सेंसिटिव आदमी है उन्होंने कहा था हमें कि यू हैव टू लर्न द आर्ट और वो बहुत सेंसिटिव है ये सब चीज़ों को लेके मतलब अगर आपने नहीं किया तो रो भी सकते हैं सेट पे इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल नेम जब मैंने भी पढ़ा कि सुई धागा मेड इन इंडिया नाम क्या है इसका और फिर मुझे पता चला कि सुई धागा मेड इन इंडिया में एक बहुत अच्छा डायलॉग है जहाँ मैं अपने हम लोग कुछ चीज़ बनाते हैं और मैं वो आदमी को बोलता है कि भाई इस मेड इन चाइना क्यों लिखा है बोलता है तो मेड इन गाजियाबाद लिखूँ क्या मैं मेड इन अहमदाबाद लिखूँ क्या जो चीज़ मेड इन इंडिया है उस पर दूसरे देश का नाम क्यों लिख रहे हो आप ये मुद्दा मेरे दिल को बहुत छू गया और इसलिए मैंने बोला कि मैं फिल्म करना चाहता हूँ और बहुत कम्प्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट है ये जो आपको लगता है कि जैसी टाइप की फिल्में गुजरात में लोगों को अच्छी लगती है जो आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं उसमें हंसी मजाक है थोड़ा गुना भी है आप जो पिक्चर देख के बाहर निकलेंगे आपको एकदम अच्छा फील गुड फीलिंग अच्छी फीलिंग आएगी इंस्पायर्ड फील करेंगे आप तो ये वैसी टाइप की पिक्चर तो ये बहुत पुराना हो गया ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ इवन मोर सक्सेसफुल वुमन ये करते हैं ये नया है सुई धागा दोनों साथ में सक्सेस Yeah, we saw the fantastic chemistry in the trailer. Thanks. ये bonding बनाया गया कि ऐसे friends हो गए। बना नहीं सकते हो। ये होता है। ये you know some things just click sometimes. You know ऐसा and I can मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको नहीं लगा होगा कि अनुष्का नहीं है तो। But we really got along and I think just and दोनों ने we also pushed ourselves एक extra limit हम लोग गए हैं फिल्म के लिए तो we really do believe yeah, we do. वरना I don't think actors करते हैं yeah that they can't and there's lot of desi giri in the film you know so how did you enjoy being desi you know right now हम desi हैं हम लोग चाहे कितने भी लाइक मॉडर्नाइज हो जाए हमारे अंदर की देसी पर नहीं जा सकता है और देसी होना इसका ये मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ देसी वस्त्र पहने या देसी खाना खाए देसी आपको दिल से देसी होना दिल से आई थिंक अनुष्का मैं पूरे पूरे देसी इनफैक्ट इफ आई वाजंट अ गर्ल आई वुड से वी आर देसी बॉयज Inspiring movie where you know like lot of entrepreneurs will be inspired to do a startup. Ah, yeah.
And the thing is, in Gujarat also, there are so many entrepreneurs that have come up from Gujarat and they've been so successful. Mm. So I think this picture genuinely, जो गुजरात के जो लोग हैं, जो young population है गुजरात की, जो अपना कुछ कार्य करना चाहते हैं, अपना कुछ business शुरू करना चाहते हैं, वो ये picture देख के बहुत inspired feel होंगे। तभी हम ये picture को और picture के प्रचार को गुजरात तक लेके आए। You know, actually plan नहीं था अहमदाबाद आने की। Really? तीन cities करने के बाद, जिस तरीके का response हमें आ रहा था अहमदाबाद से, I think her fans, my fans, हमें लगा कि we have to come over here, because there was a want for it, there was a passion for it. वो प्यार हमें यहाँ पे लेके आया. ओके, थैंक यू.